हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के बारे में कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए कितना समय लगता है और इसमें क्या क्या परेशानी होती है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइजेशन जो ऑन हो गया है तो मुझको क्या परेशानी हुई है और कितना समय लगा है, ये सारी बात आज मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मोनेटाइजेशन ऑन कैसे होता है और इसमें क्या क्या परेशानी है, जो आपके साथ परेशानी वो ना हो। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूट्यूब चैनल जो बनाया था 2017 में बनाया था और 9वें महीने में। तो फ्रेंड, अभी चल रहा है 2019, यानी कि मुझको एक डेढ़ साल मोनेटाइजेशन ऑन करने में लग गया। तो इतना टाइम मुझको क्यों लगा और कैसे लगा, वो सारी बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था और उस पर मैंने कोई वीडियो अपना नहीं डाल रहा था, तो दूसरों का वीडियो डाल रहा था जिसमें कि व्यूज भी अच्छा खासा नहीं आता और सब्सक्राइबर भी नहीं आता था। इसकी वजह से मुझको इतना टाइम लग गया और ज़्यादातर मैं YouTube पे ध्यान भी नहीं देता था, इसलिए मुझको इतना टाइम लगा। यदि आप YouTube पर रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं और रेगुलर काम करते हैं YouTube पे, तो आपको 6 से 7 महीने के अंदर आपका मोनेटाइजेशन जो ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो फ्रेंड, मुझको इतना समय कैसे लगा मोनेटाइजेशन सिर्फ ऑन करने के लिए। तो फ्रेंड, मैं क्या करता था कि किसी का दूसरे का वीडियो लेकर अपलोड कर देता था, इससे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता था। और कई बार हुआ कि एक बार मुझको चैनल पे स्ट्राइक मिल गया, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया, जिसके बाद 3 महीने बाद मेरा जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हटा। 3 महीने बाद कॉपीराइट स्ट्राइक हटा और कितना बार गाइडलाइन भी स्ट्राइक आ गया था। तो ये सारा मुझको परेशानी कई बार हुआ क्योंकि मैंने दूसरे का वीडियो अपलोड किया था, तो ये सारा परेशानी तो होना ही था। 1 साल बाद मेरा जो है 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। तो मैंने क्या किया, अपना मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए एडसेंस अकाउंट बनाया, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। तो काफ़ी यानी कि 1-1.5 महीने बाद मुझको जो है यूट्यूब की तरफ से सारा वीडियो का जो रिव्यू किया यूट्यूब ने, उसके बाद बताया कि आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया, आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया गया। तो मुझको ऐसा लगा कि अब जो है कि यूट्यूब चैनल से मुझको पैसे नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि 1-2 महीने छोड़ दिया यूट्यूब पे, कुछ नहीं करता था, ऐसे ही रहता था यूट्यूब पे, 1-2 महीने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सोचा कि सारा वीडियो कॉपीराइट जो उसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सारा कॉपीराइट वीडियो डिलीट कर दिया, जो बिना कॉपीराइट था उसको छोड़ दिया। उसके बाद मुझको फिर से यानी कि जो टाइम दिया जाता है, तो मुझको टाइम दिया गया कि फिर से अप्लाई करने के लिए मोनेटाइजेशन। तो फिर से मैंने दोबारा जब अप्लाई किया, इस पर क्या था कि ना ही मेरे चैनल पे कॉपीराइट गाइडलाइन था, ना ही कॉपीराइट था और ना ही गाइडलाइन स्ट्राइक था, कुछ भी स्ट्राइक जैसा नाम का कुछ भी नहीं था, ना ही वीडियो कॉपीराइट था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मेरा चैनल जो 5 दिन के बाद मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया फ्रेंड। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, यदि आपके चैनल पे गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक है और ना ही चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, यदि ये सारे आपके चैनल पे कुछ नहीं है, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा, ज़रूर होगा। यदि आप कैसे भी वीडियो बनाते हो, यानी कि कुछ अलग टाइप का भी वीडियो बनाते हो या वीगो वीडियो या टिकटॉक वीडियो भी बनाते हो, यदि आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, ना ही चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है और ना ही गाइडलाइन पे स्ट्राइक है, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन ज़रूर होगा फ्रेंड। तो ये सारा मेरा जो परेशानी है कि यानी कि मैंने ये सारा गलती की, इसके वजह से मुझको इतना टाइम लग गया। तो अब फाइनली जो है मेरा मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया है। अब मैं इस पर वीडियो अपने से खुद का वीडियो बना कर अपलोड कर रहा हूँ, जिसके वजह से अब मुझको जो एडसेंस के बदले में कुछ जो डॉलर वो होगा, उससे अब मैं पैसे कमा सकता हूँ यूट्यूब से फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो 1 लाइक ज़रूर करना। यदि आप यूट्यूब से और भी कुछ जानना चाहते हो, तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे सकता हूँ फ्रेंड। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।